की पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये देखिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न की तस्वीरें भी आने लगी है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न की ये तस्वीर देखिए, लड्डू एक दूसरे को खिलाया जा रहा है, मिठाई बांटी जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से एक रणनीति के तहत कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में, और अभी तक जो रुझान है 80 में 44 पर INGIA आगे बढ़त बनाए हुए, NDA 34 पर सिमटती हुई। और ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने खासकर यहाँ पर एक धुरी का काम किया, मजबूती तौर पर कांग्रेस को अपने साथ जोड़ा, TMC को भी एक सीट समाजवादी पार्टी ने दी, और वो जो रणनीति है उसका असर दिख रहा है। मेनका दो लड़कों की जोड़ी अब दो लड़कों की जोड़ी का कमाल जरूर नजर आ रहा है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, नेहा जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। नेहा जी, लड्डू और साथ ही कचौड़ी तो बीजेपी के दफ्तर में भी आज सुबह खूब बनी थी, कब तक बटेगी? नहीं, बोलने दीजिए। नेहा यादव जी, देखिए आपका ही नाम उनका भी है, नेहा जोशी, नेहा यादव। तो नेहा यादव जी आपने बात रखी, नेहा जोशी जी की बारी है। ठीक है, वो खुशी आपके चेहरे से साफ झलक रही है नेहा जी, लेकिन बाकी को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। नेहा जोशी जी, भाजपा का एक ही प्रवक्ता तो आप बुलवाएंगे, दो लोग डिपेंड करेंगे अपनी पार्टी। अरे ये तो फैसला हमारा है ना, समाजवादी पार्टी के भी दो प्रवक्ता है। अब इंडी गठबंधन में इतने सारे दल है, सभी को मौका मिलता है ना मैम, पार्टी का कितना प्रवक्ता बुलाएंगे? उसकी टेंशन मत लीजिए नेहा जोशी जी, ये तो गलत बात है। मतलब अभी भी आप लोगों को शिकायत है। ठीक है नेहा जोशी जी, बात पूरी कीजिए जी। देखिए लड्डू भी बटेगा, कचौड़ी भी बच रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी अपने एक साथी की बात यहाँ सुन रही थी कि अभी 10 सीटों के भी शायद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा गठबंधन इस देश में सरकार बनाएगा जो ये नहीं तय कर पा रहा था कि दिल्ली में गठबंधन करना है लेकिन पंजाब में नहीं करना है, केरला में हमें अलग चुनाव लड़ना है, एक दूसरे को गाली देनी है लेकिन दूसरे प्रदेश में हमें साथ में जाना है। तो ये जो एक जोड़ तोड़ का गठबंधन हमें कहीं दिख रहा था, कहीं दिख नहीं रहा था, ये मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ। ना ये बहुमत कभी क्रॉस करने वाले हैं और ना इनकी सरकार आने वाली है, कुछ देर की खुशी जरूर हो सकती है। लेकिन बीजेपी ने जो आंकड़ा पेश किया था, बीजेपी भी उसको छूती हुई नजर नहीं आ रही है, और जहां पर आप कह रहे थे कि विपक्ष सिमट कर रह जाएगा, वो उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, मेरी बात अगर आप पूरी होने दें जी। एक सवाल नेहा जोशी जी आपसे, नेहा जोशी या नेहा यादव, किससे? नेहा जोशी से मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं जी। मेरा सवाल ये है, अगर 230 240 या 250 पे भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का चेहरा होगा? चलिए वो तो आगे की बात है, वो आगे की बात है, अभी तो एनडीए 290 दिख रहे हैं, अभी आगे की बात है, इस पर हम करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बता दें देखिए यहाँ पर मैजिकल स्क्रीन हमारे पास है, मैजिकल स्क्रीन पर दिखाते हैं तस्वीरें क्या है। ये देखिए पूरा भारत इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे भारत में एनडीए की अगर हम बात कर ले, 543 में जो रुझान है उसके मुताबिक एनडीए 290 60 सीटों का नुकसान होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। वहीं पर यूपीए की बात कर ले, 232 103 सीटों का रुझान दिख रहा है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, 5000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है सेंसेक्स में, शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सेंसेक्स में 5000 अंकों की गिरावट हो गई है। तो ये जो गिरावट है वो ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, पहले 4500 अंक, अब 5000 नीचे सेंसेक्स, भारी गिरावट। हालांकि टॉप पिछले महीने ही ऊंचाइयों को, रिकॉर्ड ऊंचाइयों को सेंसेक्स ने छुआ था, एग्जिट पोल के बाद भी सेंसेक्स ने उछाल भरी थी, लेकिन अब देखिए सेंसेक्स में 5000 अंकों की गिरावट। और ये देखिए इंडिया की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूपीए गठबंधन को 102 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, 102 -59 है एनडीए, ये रुझानों की स्थिति है ऑल ओवर इंडिया में। अन्य 43 नीचे, अन्य के खाते में 21 सीटें जाती दिख रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश जो कि सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो स्थिति है उसमें देखिए, यूपीए 38 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, यूपीए को 38 सीटों का फायदा होता दिख रहा है यूपीए को, जबकि एनडीए की अगर हम बात करें
30 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है एनडीए को, अन्य दो सीट का फायदा होता हुआ, और बीएसपी को जो 2019 में बीएसपी ने यहां पर 10 सीट हासिल की थी वो 10 की 10 बीएसपी से जाती हुई दिख रही है, यानी कि बीएसपी का खाता शून्य। अभी तक के रुझानों के मुताबिक यूपीए ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जिसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका सबसे ज्यादा है। यूपीए ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है, इस ग्राफिक्स में जितना ग्रीन एरिया है वो यूपीए। और एक बड़ी खबर मिल रही है, मुलायम परिवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, अखिलेश यादव 63,489 वोटों से आगे है, डिंपल यादव ने भी बढ़त बनाई हुई है, और मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवार के चार कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और बड़े अंतर के साथ में आगे हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम जिनकी बात यूपीए कर रहे हैं, दरअसल अब ये INDIA गठबंधन है और जिसको PDA नाम दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, अक्षय यादव भी आगे चल रहे हैं। मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है, 5 प्रत्याशी परिवार से थे, 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। ये देखिए स्क्रीन पर धर्मेंद्र यादव जो कि निरहुआ को टक्कर देते हुए आगे चल रहे हैं, एक बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव कन्नौज से वो भी आगे चल रहे हैं और यहाँ पर भी बड़ा फासला दिख रहा है। बात कर ले डिंपल यादव की, मैनपुरी से चुनाव मैदान में है और वो भी आगे चल रही हैं और बड़ा अंतर इन्होंने भी हासिल कर लिया है, अभी तक 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। और परिवार का एक और चेहरा आदित्य यादव बदायूं से, शिवपाल यादव के बेटे, और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 20,000 के लगभग वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 5 कैंडिडेट थे यादव परिवार के जिसको लेकर मेनका सियासत भी आगे हुई, और अक्षय यादव भी आगे हैं, 58,818 वोटों के साथ में अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि ये जो 4 सीटें हैं एक तरह से कह सकते हैं कि काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, और कन्नौज सीट की बात कर ले तो एक बार फिर से बीजेपी के पास से ये जो सीट है वो खसकती हुई नजर आ रही, तो एक झटका इसे बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और जवाब साहब कुछ कह रहे थे, शायरी सुना रहे थे। जनता पार्टी ने जो इलेक्शन मोड दूसरे फेज के अंदर स्टार्ट करा, जो अनलगल बातें माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करी, मंगलसूत्र को लेकर के, भैंस को लेकर के, उसके बाद जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तमाम चीज़ें कही, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने मुद्दों को लेकर के तमाम जगह पर, और जिस तरीके से झूठ फैलाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, अब तो आज की डेट में इंटरनेट है, तमाम चीज़ें वो फौरन वेरीफाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला गया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज देश की आवाम ने ये साबित करने की कोशिश करी है कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे की बात चलेगी, नफरत की बात को भारतीय जनता पार्टी की ये देश की आवाम उखाड़ करके फेंकने जा रही है। इसके साफ संकेत आपके स्क्रीन के ऊपर और ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके अंदर नजर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि मोहब्बत की दुकानें खुलने जा रही हैं और नफरत का बाजार बंद होने जा रहा है। ये तमाम जगह पे जाकर के जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाने की कोशिश, अब आप लोग भी स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता करिएगा, आप लोग भी खुले होकर के स्वतंत्र थे, हम पहले भी स्वतंत्र थे, कोई सैयद साहब, सैयद साहब पहले भी हम स्वतंत्र थे, कठोर से कठोर सवाल करिएगा, पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, आगे भी स्वतंत्र रहेंगे, सरकार जब आएगी तो आप कठोर से कठोर प्रहार करिएगा, सैयद साहब पहले भी सवाल पूछिए, आज भी देश के नए प्रधानमंत्री जी से कठोर सवाल करिएगा, ठीक है, देश के गृह मंत्री, नए गृह मंत्री से कठोर सवाल करिएगा। अरे सरकार अभी नहीं बना रहे, सरकार अभी भी इंडिया गठबंधन की बनती नहीं दिख रही है, हम पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र है और कल भी स्वतंत्र रहेंगे, इसकी चिंता ना करें। अमन का रुख कर लेते हैं, अमन तस्वीर दिखाइए ग्राफिक्स के जरिए। अब ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ये आप देख रहे हैं 80 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटों वाला ये राज्य है। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए जो कि अब इंडी गठबंधन है, यहाँ पर आप देखिए 37 जो सीटें हैं उसका फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और 43 सीटों पर यानी कि 43 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है अगर हम बात कर लें, और अगर बाकी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी काफी ज्यादा आगे है, और इसके अलावा
बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी, स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी में, केएल शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है, 50,000 वोटों से लगभग पीछे चल रही है। ये स्मृति ईरानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ यही स्थिति कई और केंद्रीय मंत्रियों की भी है। उत्तर प्रदेश ने एक बहुत ही मैच्योर्ड, कह सकते हैं एक बहुत ही मैच्योर्ड तरीके से वोट उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने किया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने यहां पर अलग अलग जो मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं उन पर वोट कास्ट किया है। इस वक्त हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ गेस्ट हैं रोहित सिंह जी। रोहित सिंह जी, मुद्दों को लेकर कौन समझाने में नाकाम और कौन